हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। सो दोस्तों, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं एंड 2:30 बजे ये खाना खा रही है, ये घूम रही है, ये पता नहीं किसकी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा है और जिंदगी का मजे तो ये ले रही है। खाओ पियो सो आराम। बेटा सो जा, सब परेशान करते हो तुझे घर में। भाई ये 12 से 16 घंटे तो सोती रहती है ये, कम से कम दिन भर सोएगी, रात भर सोएगी, और डॉग्स को तो नींद की जरूरत होती है। और गाइस आज का, मैं तो नहीं सहता, मैं तो गुद्दी पकड़ के लाल कर देता भाई। मैं तो नहीं सहता। पता है उसकी गुद्दी पकड़ ली गई तो कुछ और। कल जो गुद्दी पकड़ी गई थी तन्मय की, भाई नहीं बताऊं हाथ जो बम हुआ था क्या, हाथ जुड़ा बंद बताओ ये व्लॉग में। अंडरवर्ल्ड में बेइज्जती हो जाएगी तन्मय की भाई। तो भाई के काफिला वाले, काफिला इनका वो हो जाएगा। भाई स्टेटस लगाते जहाँ हम चलते वहाँ काफिला आ जाता, फिर तुम्हारे काफिला में बेइज्जती हो जाएगी। और गाइस आज का हमारा प्लान है डेकोरेशन करने का अच्छे से, तो हमने डेकोरेशन सामान तो हम कल ले आए थे एंड आज हम लोगों ने लाइट्स भी निकाल लिए जो हमें डेकोरेट करनी है। जो लाइट्स ढूंढने में हमें पूरे 2 घंटे लगे, फिर जाके किराएदार से पूछा गया तो उसने बताया हाउस वाले बक्से में रखा था, तब तो जाके लाइट मिली है। बताओ इनके घर की लाइट किराएदार को पता है, इनको नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखो हमारे घर का जो मनसुख भाई है ना, अभी वो मकबूल भाई, वो भी बिहार में है, तो पीयूष की कमी बहुत खली है, जैसे पंखा उनका साफ करना, वो ये सब काम वही करता था, ऊपरी काम जो होते थे त्योहार के टाइम पे, तो वो था नहीं। ओके, तो इस वजह से गाइस हमें मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाबू ने खास करके मेहनत करी है पंखे साफ करने में, और इसने फिर ये शेरवानी पहनी दिखाने के लिए। बोल इसलिए नहीं रहा हूँ, बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तुम चुप ही रहो। अब हमें डेकोरेशन का लाइट है अपने पास, सामान अपना सारे नहीं, लाइट हमें जो अपने अपने अपनी वाली तो लेकर आऊंगा, बैकड्रॉप चाहिए उसके लिए। हाँ हाँ, अभी हम लोग एक बैकड्रॉप तैयार करने वाले हैं जिसमें हम दिवाली अपनी अपनी रील्स और शॉर्ट्स बनाएंगे। ऊपर वाला जो कमरा है उसी में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वॉल पेपर जो चिपके हुए, तो उसी पे हम डेकोरेशन करने वाले हैं। लेकिन गाइस अभी उसके लिए हमें 2 बड़े हैलोजन वाली लाइट भाड़े पे लानी पड़ेगी। हाँ, हैलोजन वाली लाइट कहाँ मिलेगी, भाड़े पे मिल जाएगी ना, भाड़े पे ले रहा, बड़ी हैलोजन लाइट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो लाइट और वो तो है नहीं। घर होता मेरा स्टूडियो लाइट होती तो हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप हाँ। क्या हर टाइम ऐसे डिस्क्रिमिनेट क्यों करते रहते हो, डिग्रेड क्यों करते रहते हो, हम गरीब हैं कहना चाह रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। हमारा ये काम ही नहीं था भाई। तो चलो दोस्तों, हम लोग भी सारे सामान इकट्ठा करते हैं, झालर तो अपन सामने लगा लेंगे, वो तो आप और तन में कर स्टार्ट, खाना पीना खा लेते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। हाँ। तो दोस्तों दिन में खाना वाना खा के हम लोग तो सो गए थे एंड सबको आज थकान बहुत ज्यादा लग गई थी, क्योंकि दिन में साफ सफाई करी थी नीचे सबने, तो उस चक्कर में खाना वाना खा के सब रेस्ट कर रहे थे एंड अभी शाम हो चुकी है, 6:30-7 बज रही है। तो अभी मैं और क्या बोलते हैं बातचीत, भाई की बातचीत हो चुकी है, भाई लाइट आ चुकी है, तो अभी लाइट हम लोग लगाने वाले हैं। जो आई है हमारे, जो हमें डेकोरेशन करनी है उसकी लाइट अलग है, बाकी अभी हम लोगों ने ये वाली लाइटें बिछा दी, दिख तो रही नहीं होगी, ये देखो लाल वाली सफेद वाली, ये जो होती है ये जो झालर लटकेगा, खोल तो दिए सारी, अब इसको यहाँ से लटकाते जाएंगे और यहाँ पे लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डेकोरेशन करेंगे अंदर, यहाँ पे अंदर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, वो जब डेकोरेशन होगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी फटाफट ये लाइटें सारी लटका देते हैं। तो गाइस मुझे नीचे से, मैं थोड़ा काम कर रही थी, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो ये दोनों जो मीसने ना काम कर रही थी, ये थोड़ा नहीं दोस्तों काम कर रही थी, सुनो इसने मंगाया खिलौना, खिलौना नहीं था, पता नहीं क्या वो फेशियल रेजर था, वो मैं मम्मी पे डेमो करके दिखा रही थी, भाई तो मैं देख के आया था, खुद के ऊपर कर रही थी, फिर पहले मम्मी पे किया था ना। हाँ, तो ये पहले मम्मी को विक्टिम बनाया है इसने, खुद की मूंछें बना ली। ये नहीं, कल सुबह नहीं कर सकती थी इसको, ऊपर आ जाना, लाइटें लगानी है यार। तो ये काम भी, ये जेंट्स का काम ही, ये काम लेडीज क्यों करेंगी भला, भाई पुरुष स्त्री एक बराबर है, सीखो। तो चलो आलू पराठे भी बन रहे, बनवाओगे? अभी जैसे मैं आया था, बाबू आया दिवाली, बाबू भी नहीं आता दिवाली पे, मैं भी नहीं आता, तो पिछले साल मैं नहीं लगाए थे। अरे पीयूष भी लगाया था, मकबूल भाई लगाया, मकबूल भाई के साथ मैं ही खड़ी थी यहाँ पे हथौड़ी लेकर के, और गाइस हमारे घर में हथौड़ी नहीं मिली, तो ये लोग अदरक कूटने वाले उससे कूट रहे हैं। और भाभी क्या कह रही है, अदरक कूटने वाला भी नहीं है, ये क्या है, ये ट्रक व्रक के नीचे जो लगता है ना, नहीं मैं बता रही हूँ ये क्या, ये ट्रक का खिल्ला है, ये हम अपने गाँव से लेकर के आए थे। ऐसे थोड़ी ना, बिहार में रेलवे गायब हो जाती है, ट्रैक गायब हो जाती है, इंजन गायब हो जाता है, ट्रक का किल्ला भी गायब। अरे रोड, अरे तो हमारे ही ट्रक का था भाई, ओ सॉरी ट्रक का नहीं था, ट्रैक्टर का था। और गाइस मैं ना भी नीचे थी, तो मैंने एक रील देखी, तो मैं उसको वो करना चाहती हूँ, मैं मिक करना चाहती हूँ। क्या बताओ, मैं हूँ कल्लू कालिया, सॉरी नया मिस्त्री आ चुका है हमारे पास, ये कह रही है मैं कर देता हूँ, आप रेस्ट करो थोड़ी देर, देखना अभी देखना कैसे लगाएगी, लग तो गई, लग गई थी ये देखो इतनी। हाँ लग गई थी, सही बात है। एक मिस्त्री काम चोरी करके देखो जाता हुआ,
भाग रहा है दोस्तों के साथ घूमने फिरने। तो दोस्तों काफी देर की मेहनत का फाइनली लाइट लग गई है, दो ढाई घंटे से ऊपर ही लग गए। ये मिस्त्री मेरे साथ वाला और एक मैं, दो लोग और मैं साइड लेबर थी, थोड़ा बहुत करा उसका साइड लेबर नीचे आ गई। और गाइस ये देख सकते हो आप, ये हमने डेकोरेशन करा है। ये वाले तो क्या है, पुरानी लाइट्स थी तो इस वजह से इतना ज्यादा दिख नहीं रही। वो देखो इस बार नई लाइट लेकर आए ना, अगली बार पता है क्या करना, वो जो लाइट है ना भाई सारी मंगा लेना, तो ऐसे जब लग जाएगी ना तो बहुत सुंदर लगेगा फिर। बाकी ये भी अच्छा लग रहा है यार, जिस हिसाब की मैंने मेहनत करी ठीक ही लग रहा है। मेहनत तो आपने उतनी की, चाहे वो तो लाइटों का बस कलर, बीच में दिक्कत ये है कि एक ये लाइट भी नहीं जल रही है, तो इसको कल रिप्लेस कर देंगे हम। और इसका वायर ढीला हो गया थोड़ा सा, वो सही करना होगा, वो कल करेंगे। बाकी सारी सही है, एकदम बढ़िया लग रहा है मस्त। चलो चलो आपके गर्म गर्म आलू के परांठे रेडी। क्या बात, आलू के पराठे बने भाई? यस, आलू के पराठे विद चटनी एंड कोल्ड ड्रिंक। नाइस, लेट्स गो। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो दोस्तों डेकोरेशन की तैयारी सारी चालू हो चुकी है, सामान लाए हैं और यहाँ पे बेसिकली इस इतने पे अच्छे से डेकोरेशन करेंगे। तो वर्टिकल वीडियोस के लिए या फिर ऐसे करके डेकोरेशन कर लेंगे हम लोग, ये दिखेगा। बाकी वो मेरे को सही नहीं लग रहा, सही यही लग रहा है, इतने बैकग्राउंड पे कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। तो ये सब सामान लेकर आया, अब यहाँ पे हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं, फिर वीडियो शूट करेंगे। अब लेट्स सी डेकोरेशन कम पड़ता है या सही हो जाता है, देखते हैं। वैसे तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्पेस छोटा ही है, बस लाइटें लानी पड़ेंगी लास्ट में, तो लास्ट में देखेंगे एक बार लगा के। पहले ये वाला सारा लगा लेते हैं और जो डेकोरेशन हम करने की सोच रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखते हैं हम किस हद तक कहाँ तक कर पाते हैं वैसा डेकोरेशन। हम लोग कुछ ऐसा डेकोरेशन करने की सोच रहे हैं, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, इतनी स्पेस नहीं हमारे पास। बाकी एक दो लेयर ये और दो तीन इधर से, ऐसा कुछ देखते हैं बाकी कहाँ तक कितना हो पाता है। So, दोस्तों फाइनली एक डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद काम हो चुका है। ये हमने डेकोरेशन करा है सामने जहाँ पे हम वीडियोस बनाने वाले हैं। अभी इसमें बस नीचे यहाँ पे कारपेट बिछाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे, और इसके अलावा जो लाइट्स हैं झालर वाली वो लगा देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ या तो उसको यहाँ बीच में लगा दूँ दो जगह, और फिर यहाँ पे इनके बीच में, तो मेरे को लग रहा है अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों हम लोग एकदम बेलदारों से नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, इंसान बन गए। एंड गाइस आज है धनतेरस, हैप्पी धनतेरस एवरीवन। जो लोग भी हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको धनतेरस की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, आपकी वेल्थ अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, धनतेरस पे बहुत जरूरी है। धनतेरस पे भाई घर में सोना चांदी बरसता है। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने, तो देखते हैं क्या क्या लेकर आते हैं। वैसे तो इसकी शॉपिंग होने वाली है, हम तो यूं जा रहे हैं। बाकी 100 रुपए इसको भी दे देना भाई धनतेरस पे थोड़ा सा। 2000 years later तो दोस्तों फाइनली मैडम की शॉपिंग हो चुकी है, और धनतेरस पे सिर्फ इन्हीं की शॉपिंग हो पाई क्योंकि इसी में पूरा टाइम निकल गया आज, सिर्फ ये एक रिंग ढूंढने में। yes. तनिष्क से भाई गोल्ड की रिंग लेकर आई है, दिखाना। ये देखो दोस्तों, वैसे तो कैमरे में इसकी सुंदरता पता नहीं चलेगी। निकालना बाहर। हाँ अब देखो कौन सी है, मेरे को पहनाओ, मैं मेरे में देखूंगा। तो दोस्तों ये है गोल्ड वाली रिंग जो ली है इन्होंने, बढ़िया लग रही है। 22 कैरेट वैसे तो डायमंड बहुत सारी है इसके पास, तो इसलिए गोल्ड ले लिया। मेरा मन था इसलिए दिखाना, मेरे को भी पहनाना, मैं भी देखूं कैसी लगती है मेरे हाथ में। अलग ही चमक रही है, अलग ही चमक रही है भाई, काला सोना। रहने भाई निकाल ले, गोल्ड गोल्ड मैं नहीं पहनूंगा, मैं इसलिए तो डायमंड पहनता हूँ। फाइनली आज धनतेरस की शॉपिंग भी हो गई, सारी चीजें हो गई, सब कुछ खरीद लिया, मतलब हमने झालर भी चेंज किया। ले देखे पूरे घर में धनतेरस की शॉपिंग एक इंसान की है, एक इंसान के लिए सब कुछ हुआ है। गाइस 6 कटोरी 6 चम्मच 6 ग्लास भी है हमारे घर, 6 कटोरी हम लोग का क्या, हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं। तो धनतेरस पे इन्हीं को इनके पापा ने गिफ्ट, ये मुझे एक तरीके से मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट मिला है। प्री बर्थडे गिफ्ट पापा से मिला, बर्थडे गिफ्ट मुझसे मिलेगा, पोस्ट बर्थडे गिफ्ट तन में दे देगा, है ना। तो दोगे ही तुम लोग। पसंद करके आई ना एक और जो चप्पल 62 वाली थी। क्या 62 वाली, पसंद ही रहना, मेरी पसंद बहुत सारी है, पसंद ही रह जाती है इंसान की। गाइस ये खा रही है खाना, डिनर कर रही है और उसके बाद ये खाएगी। और आज इसको रिंग मिली तो थोड़ा सा ज्यादा खाएगी, है ना। नहीं यार, आज सुबह मैंने खाना नहीं खाया था, मैं खाने गई थी। झूठ बोल रही है भाई, अच्छा बता दो मैंने खाना खाया था। अभी मैं मेरा जोमेटो का ऑर्डर खोल के दिखा दूंगा तब। वो तो जब मैंने, मुझे खाना एक्चुअली मेरे हिस्से का जो चावल बचा था ना, मेरे मोटे भाई ने दोबारा से, तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे हिस्से का चावल खा लिया, तो तुम्हारे लिए पनीर नूडल मंगाया नहीं मंगाया। मैंने कितना खाया था भाई, तुम्हें एक चावल मिल रहा है खाने को और तुम्हें एक पनीर नूडल मिल रहा है खाने को, व्हाट इज बेस्ट। आम टिपिकल बिहारी, ओके। हाँ तो राइस खा लो, राइस मिल गए ना तुम्हें, राइस
खाओ राइस। और आज तो फेवरेट निमोना भी। यस निमोना बनाया गाइस। किस किस के यहाँ घर में निमोना बनता है, किस किस को पता है निमोना क्या होता है? यूपी में बनता है। यूपी और बिहार में दोनों जगह? बिहार में नहीं बनता, यूपी में। मैं तो अब यूपी का पता है, यूपी में तो बहुत बनता है, लोहे की कढ़ाई में बनता है वो भी। और मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, बाकी देखते हैं खा के कैसा बना होगा। वैसे तो अच्छा ही बना होगा। मम्मी बनाई ना? फिर तो अच्छा बना। मम्मी बनाइए, आप बनाइए, आप बनाइए, तब तो भाभी बनाइए। चलो जो भी बनाया अच्छा बनाओगे यार। एक तो बड़ी दुविधा हो जाती है, तारीफ करो कि नहीं करो, पहले शांति से खा लो। हाँ अच्छा बनाया, हाँ बढ़िया बना है। और तुम्हें पता है आज सुबह, तुम मानोगे नहीं, आज सुबह खाने में क्या था? दाल चावल और सब्जी। दाल चावल सब्जी, आलू का पराठा, चोखा, चटनी, प्याज, अचार। हाँ ये सारा था, ये सब मैंने खाया है, ये चीज तो है। लेकिन इन सब में सब्जी बताया तुम्हें कौन सी थी? आलू बैंगन। आलू बैंगन की सब्जी, सोचो मैंने आलू बैंगन की सब्जी खा ली। लेकिन मैंने मम्मी को कहा था बैंगन हटा देना, उनको उसमें था बैंगन, तब भी तो मैंने बैंगन खुद हटा दिया उसमें साइड में, इसलिए मैंने बैगन खाया नहीं। और ये तुम प्लानिंग कर रही थी मेरे पीछे साजिश। ठीक है बेटा, अब देख, अब तुम मेरे घर आओ, मैं देखो कैसे साजिश करता हूँ। हमने आप वहाँ पे क्या मिलता है? दाल चावल भुजिया। हाँ तो, और मैंने भाई सुनो मेरी बात, साइड आइटम्स थे अलग से वहाँ पे। लेकिन एक चीज बताओ, वहाँ की दाल तुम्हें वैसे दाल मिलती है? मम्मी की दाल तो बहुत अच्छी बनाती है। फिर आज जो दाल खाई, आज तो ऐसे तुमने खाई नहीं दाल, वरना मैं मम्मी के हाथ की दाल, मम्मी के हाथ की एक्सेप्शनल होती है। वैसे हमारे दाल भाई कभी कभी बनती है, वैसी दाल मैं आज तक जिंदगी में कहीं नहीं खा पाया, बेस्ट। एंड कल सुबह मैं जाऊंगा नाना नानी के पास थोड़ी देर मिलने, एंड उसके बाद मैं अपने घर भी जाऊंगा, जो मेरा यहाँ पे घर है, गाँव है, जो मेरा पैतृक आवास, वहाँ पे भी जाना है मुझे। तो कल पूरा दिन मेरा उसी में निकलेगा, तो ऐसे कल कुछ खास होने वाला नहीं है। काफी टाइम मुझे बाइक ही चलानी है, एक घंटे यहाँ से नानी के घर जाना, फिर नानी घर 2-4 घंटे रहूंगा, और फिर वहाँ से 1 घंटे मैं अपने घर जाऊंगा, वहाँ 2-4 घंटे रहूंगा, फिर आते आते मेरे को शाम को 6-7 बज जाएगी। तो कल, हाँ बोलो, जो आपके नानी के घर जाते हैं तो मार्केट में वो लाल वाला पेड़ मिलता है। हाँ जलालपुर पे, ठीक है, जलालपुर मोड़ है, वहाँ पे मिलता है ना, ठीक है, ले आऊंगा। तो गाइज ये सारा कल का मेरा प्रोग्राम है, तो कल कोई व्लॉग मैं शूट नहीं करने वाला हूँ, अब सीधा दिवाली का व्लॉग शूट करूंगा। परसों ही है ना दिवाली अपने यहाँ? तो गाइज हमारे यहाँ परसों ही दिवाली है, तो परसों दिवाली का व्लॉग सीधा शूट होगा। और इस व्लॉग को चलो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।